अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शब्बीर अली अलकवी गोट फार्म से। आज का टॉपिक है हमारा कि बकरी जब बच्चे दे दें उसके बाद हम उसे क्या करें, क्या प्रिकॉशन करें, कैसे देखभाल करें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको जब भी आएँ तो आपको अपडेट्स मिलती रहे और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। सो आज का टॉपिक वही है कि बकरी की देखभाल कैसे करें जब वो बच्चे दे दें और बच्चे की। तो जो बकरी आपकी जो पहली बार बच्चे देती है या नेक्स्ट टाइम बच्चे देती है, जब भी बच्चे देती है, जैसे कि इससे आगे हमने वीडियो में बताया कि आप कैसे समझेंगे कब बच्चे देने वाली है, तो जब बच्चे हो जाएं उसके बाद आपको क्या करना है उसके विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो बच्चे जब देती है वो बकरी काफ़ी कमज़ोर होती है, हमें उसका केयर करना पड़ता है। वो दूध बाद काफ़ी बनाती है, उसके कमज़ोर हड्डी वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमें उसका कैल्शियम का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, हमें उससे भरपूर कैल्शियम देना है क्योंकि वो दूध ही बनाएगी, बच्चे भी पिएगी और वो खुद भी कमज़ोर है। ठीक है, तो हम लोग कैल्शियम उसको देंगे, दो टाइम करके देंगे। नॉर्मल अगर हम लोग एक टाइम देते हैं तो ये दूध वाली बकरी को दो टाइम करके देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध भी देगी और ये भी करेगी। अब आ जाए उसके अंदर में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है या इंटरनल इंजरी हुआ है बच्चे देने के वक्त, तो उससे प्रिकॉशन लेने के लिए हम लोग कि ऐसा कोई भी मसला ना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है उसको गुड़, जो गाय वगैरह खाने वाला गुड़ होता है, ठीक है, वो गुड़ लेंगे, उसमें मंगरेला जिसको काला ज़ीरा भी कहते हैं वो, और हल्दी, ये मिलाकर लड्डू बनाएंगे हम लोग, गोला बना लेंगे, सुबह शाम एक एक करके उसको देंगे। उससे क्या होगा, उसके पेट की जितनी भी गंदगी है सारे साफ हो जाएंगे। और प्लासेंटा होता है जो आपका बोलते हैं वो पेट का फूल, अगर वो आपका जानवर का कुछ एक डेढ़ घंटे के अंदर नहीं गिरा, कुछ देर के अंदर ही गिर जाता है, तो उसका दवा आता है आपका मेडिकल स्टोर में, तो वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन उससे बेहतर ये है कि अगर आप ये देंगे ना, ये देसी इलाज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप यही करें। ये गुड़ वगैरह जो हम उसके अगेंस्ट में ही बता रहे हैं, आपको मेडिकल शॉप जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी आपको वेटनरी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गुड़ दें, गुड़ में मंगरेला और ये मिला के उसका जो भी पेट की जितनी भी गंदगी होगी आपको देखेंगे, आप 4-5 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके गिरेगी और वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका प्लेसेंटा गिर भी जाता है तब भी आपको ये देना है सुबह शाम। ठीक है, इससे क्या है कि गलती से अगर मान लीजिए अंदर में कोई भी इंटरनल इंजरीज वगैरह है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। अब इसके बाद आज बच्चा आपका हुआ है तो बच्चे का सबसे पहले आप मुकस साफ करेंगे, मुंह साफ करेंगे, जवान साफ करेंगे, ठीक है, कान वान साफ करेंगे। क्या कई बार क्या होता है कान के अंदर वो उसकी पानी वगैरह चले जाती है, तो वो सब साफ कर लेंगे। उसके बाद जो है उसकी नाखून जो होता है ना, नाखून आप व्हाइट कलर का देखें एक्स्ट्रा होता है, तो आप एक नाखून जो है जितना भी एक्स्ट्राज है ना उसको आप कुर्री के जैसा होगा, ठीक है, व्हाइट मिल्की व्हाइट कलर होगा, उसको आप नाखून से ही टूट जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है, नहीं तो वो बाद में कड़ा हो जाएगा। वो अगर आप नहीं साफ करेंगे ना, बकरी उसको चाट ली तो बकरी का दूध थोड़ा घट जाता है, तो वो ऐसे भी उसको क्या है आपको, और चलने में उसको परेशानी होगी, बच्चा जो स्ट्रेट चल नहीं पाएगा। सबसे बड़ा मेन रीज़न यही होता है कि बच्चा चल नहीं पाएगा, तो बच्चा तो आपको शाम तक आप देखिए कोशिश कर रहा है चलने का, दूसरे दिन तक, तीसरा दिन तक जो आप देखते हैं तो प्रॉपरली चलने लग जाता है, तो वो नाखून आपको तोड़ लेना, उसमें सॉफ्ट होता है, आराम से टूट जाएगा नाखून से, आपका हाथ से ही टूट जाएगा, वो साफ कर लेना है। ठीक है, अब आ जाइए बच्चे के लिए क्या करना है। बच्चे के लिए हमें क्या करना है कि बच्चा का कुछ ऐसे आपको अरेंज करना है कि बिचाली वगैरह बच्चे का या टोकरी के अंदर रखें। क्या होता है कि बच्चा जो अक्सर जो 2-3 4 दिन का बच्चा होता है उसको दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम लोग केयर नहीं करते हैं। ठीक है, वो होने का रीज़न यही होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बच्चा जो है उसको मिलीलीटर के बदन में कमी होती है, वो यहाँ वहाँ जमीन को चाटेगा टूंगेगा तो उसको क्या होगा कि पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो खैर पेट खराब हो जाता दूध हम लोग एक टाइम का रोक देंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन उतने छोटे बच्चे को तो हम लोग कुछ उसके अलावा दे भी नहीं सकते हैं, तो इससे बचना कैसे, वही हमको क्या करना है कि बिचाली वगैरह रख देना है कि बच्चा जो है जमीन वगैरह का कोई भी धूल वगैरह ना चाटे और उसका थन को माँ का पूरा अच्छे से साफ कर देना है कि उसमें कोई गंदगी ना रहे, क्योंकि वो गंदगी भी अगर बच्चा चाट लेगा तो उसका तो क्या होता है ना कि स्टमक जो होता है उसका 4 स्टमक होता है नॉर्मली बकड़ों में, ठीक है, 4 पेट होता है, लेकिन जो बच्चा होता है फर्स्ट 15 दिन जो होता है आपका सिर्फ एक ही स्टमक काम आता है कि दूध पीता, वो आपका पीछे से निकल जाता है, वो आपका बाकी का 3 जो है ना वो होता तो ज़रूर लेकिन डेवलप नहीं होता, तो वो बाद में डेवलप होता है, तो जब वो डेवलप नहीं होता तो मिनरल्स की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है तो बच्चा क्या करता है जमीन का धूल वूल चाटता है, उसकी वजह से उसको दस हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना है, पहले से प्रिकॉशन ले लें, एक आप टोकरी ले लें या बिचाली वगैरह का शेड एक जमीन में बिछा दें जिसमें बच्चा जो है कोई भी धूल वूल ना चाटे, और 3-4 दिन बकरी की भी आपको केयर करनी है, ये गुड़ वगैरह का जो मैंने आपको गोली बताया है ये गुड़ वगैरह खिलाएं, उसका पेट वेट का सब साफ हो जाएगा, कैल्शियम 2 टाइम दे, इसी तरह आपका बकरी और बकरी का बच्चा बिल्कुल फिट रहेगा। इसके अलावा आपको कोई भी बाहर से ऑप्शनल दवा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।